मुंबई में लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी है। सड़कों पर जमा पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादातर पानी भरने की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। लगातार होती भारी बारिश की वजह से मलाड ईस्ट में एक दीवार गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। हादसे में 50 लोग भी घायल हो गए। तो वहीं ठाणे में भी एक दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में पिछले रात को बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई। करीब कुछ इलाकों में 400 mm तक अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार की बारिश यहां पर हुई है और जिसके चलते कुछ दुर्घटनाएं भी हुई है, विशेष रूप से मलाड में। मलाड ईस्ट के पास सबवे में स्कॉर्पियो में फंसे 2 लोगों की मौत हो गई। सबवे में इतना पानी भरा हुआ था कि ना तो दरवाजा खुल पाया और ना ही खिड़की, लिहाजा दम घुटने से स्कॉर्पियो में सवार दोनों लोगों की जान चली गई। मुंबई में देर से आई बारिश ने इस बार पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निचले इलाकों में 4-4 फुट तक पानी भरा हुआ है। ऐसा ही हाल मुंबई किंग सर्किल इलाके का है, जहां सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। और सड़क पार करने के लिए बीएमसी को लोगों की मदद के लिए सामने आना पड़ा। वहीं सायन पुलिस थाने के बाहर का इलाका भी पानी में डूब गया। सर, ये तकलीफ तो हर साल होती है, पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है फिर आने जाने काम करने की। मैं ड्यूटी पे जा रहा था, वड़ाला जाना था मुझे, तो अभी इधर से जब रास्ता ये बंद है, पानी पूरा भरा हुआ है, तो इस पे हम कहाँ जा सकते हैं? पानी तो ये तो यहाँ का तो रेगुलर फीचर है, पता नहीं क्यों म्युनिसिपैलिटी कुछ करती क्यों नहीं है। पानी ज्यादा भरा है ना, वहाँ तक मैं नहीं जा पाएगी, इसके लिए मैं वापिस जा रही घर पे। अभी हम जैसे गाड़ी मेरी बंद पड़ गई है रास्ते में, अभी हमको जाना है जोगेश्वरी, हम बीच में अटक गए माटों का तलक। पता नहीं अभी लोग बोल रहे ट्रेन भी बंद है, अभी कैसे जाओ यहाँ से, तो फंस गया मैं। सोमवार रात लगातार होती बारिश ने हालात काफी बिगाड़ दिए। नतीजतन सड़कों पर मदद के लिए नौसेना को उतारना पड़ा। मुंबई में कुर्ला इलाके में बीएमसी की गुजारिश पर नौसेना की टीम पहुंची। एनडीआरएफ की मदद से यहां पर 1000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया। प्रशासन की ओर से मदद भले ही जारी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हालात अगले 24 घंटे में ज्यादा बदलने वाले नहीं है। We are expecting there should be extremely heavy rainfall. Mean again, I am repeating, more than 20 centimeter. It may occur during next 24 hours. Mean mainly today, and from tomorrow there will be relief. इधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में ही 115 मिलीमीटर बरसात हो गई, जिसकी वजह से मशीनरी पर अचानक इतना बोझ पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।